बुरहानपुर जिले में नर्सिंग स्टाफ की प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है, बल्कि प्रशासन ने इन नर्सेस की अनदेखी कर इनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था कर अंडर ट्रेनिंग और प्राइवेट नर्सेस को अस्पताल में कार्य करने के आदेश दिए हैं। वहीं कलेक्टर भव्या मित्तल ने धारा 144 भी लगाई है। नर्सिंग स्टाफ ने योग प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन और गायत्री मंत्र का उच्चारण का निर्णय लिया है। वहीं हड़ताल पर बैठी नर्सों का कहना है कि यह हड़ताल करना हमारा शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि जब तक नहीं मांगो तब तक कुछ नहीं मिलता, इसलिए हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन और सरकार को हमारी मांगें पूरी करना चाहिए। जब संबंध में कलेक्टर भव्य मित्तल से चर्चा की गई तो उन्होंने नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के चलते जिला अस्पताल में अंडर ट्रेनिंग नर्सेस और प्राइवेट नर्सेस को शामिल करने की बात कही, जिससे कि काम और बाधित ना हो और मरीज को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो ये हड़ताल हम लोग कर रहे हैं, ये मतलब शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। पहली बात तो ये, हम लोग कोई शौक से ये हड़ताल कर नहीं रहे हैं, और जो हमारी मांगे हैं बहुत जायज मांगे हैं, और ये पुरानी मांगे हैं हमारी, मतलब बहुत पुरानी मांगे हैं। 2019 हमारी हड़ताल 10 तारीख से जारी है और हम लोगों ने 10 मांगे रखी है। वैसे हम चाहते तो नहीं थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन को जगाना भी हमारा काम है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिना मांगे नहीं मिलती है। जी, ये प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल है जो नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा की जा रही है, और ये हर क्षेत्र में हो रही है। इंदौर है, हरदा है, बड़वानी है, खरगोन है, सेंधवा है, भीकनगांव है, और शहडोल जिला, जबलपुर जिला, यानी अधिकतर जगहों पे ये नर्सिंग ऑफिसर्स की जो हड़ताल है ये वैकल्पिक रूप में हमने जो अंडर ट्रेनिंग नर्सेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की प्राइवेट की हो, उनको अपने जिला अस्पताल के लिए व्यवस्था के रूप में रखा है, लेकिन किसी भी मेजर ऑपरेशन में हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते।